सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अडानी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की सजा मुझे 6 महीने जेल के रूप में मिली और आपको याद होगा कि देश की संसद में मैंने नारा लगाया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। वो रिपोर्ट क्या कह रही थी? वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बड़े दामों पे खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। और याद रखिएगा, न्यू पेंशन स्कीम देश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन एनपीएस, उसका पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है, एलआईसी का पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। और अगर वहां ये घपला और घोटाला हो रहा है तो अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के आम आदमी का पैसा डूब रहा है। ये सरल भाषा में हमें समझना चाहिए। ये अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, उसने तो भ्रष्टाचार कर रखा है, ये देश के लाखों करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा जो शेयर बाजार में वो लोग लगाते हैं वो पैसा डूब रहा है। और कितना डूबा आप कल्पना कर सकते हैं? अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूं तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों के डूब गए शेयर मार्केट में, 8,50,000 करोड़ रुपए। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ, इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया, खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो, उठा के मुझे जेल में डाल दिया गया। 6 महीने में जेल में रहा, जुर्म यही था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो नारा संसद में, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। और आज क्या खुलासा हुआ है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
इस पूरे प्रकरण की जांच सेबी करेगा, सेबी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगा। सेबी ने अपनी जांच शुरू की, सेबी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की और 2023 के मई महीने में जो रिपोर्ट सेबी ने सुप्रीम कोर्ट पर दाखिल की वो बड़ी हास्यास्पद है। आप सुनेंगे तो आपको मजाक लगेगा। सेबी सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि हम ऐसे जुड़े 13 मामलों की जांच कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं हमें पता नहीं है कि कहां तक ये जांच जाएगी, ये एक दिशाहीन जांच है। हुजूर कुछ गड़बड़ी तो हुई है लेकिन हम बता नहीं सकते गड़बड़ी किसने की है। क्या करिए सीबी सुप्रीम कोर्ट में, हुजूर कुछ गड़बड़ी तो हुई है, किसने गड़बड़ी की है, क्या गड़बड़ी की है, ये हम बता नहीं सकते और ये जांच दिशाहीन है, अंतहीन है, किस ओर जाएगी, कब तक चलेगी, यह हमें पता नहीं। तो क्यों बोला सेबी ने, सेबी अध्यक्ष ने क्यों बोला ये? इसका खुलासा कल हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में हुआ है। और वो क्या कहती है नई रिपोर्ट, कि सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं, उन्हीं फंड्स में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। यानी जिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच सेबी अध्यक्ष को करनी थी वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है, वहीं पे इनका इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है लगभग $10 मिलियन। और ये एक विसिल ब्लोअर के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ। आप मुझे बताइए जिन कंपनियों के, जिनके भ्रष्टाचार के, जिन जिन मामलों की जांच स्वयं सेबी को करनी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच करेंगे इसकी, तो माधवी बुच ने क्यों नहीं बताया कि हुजूर मैं जांच नहीं कर सकती क्योंकि हमारा मामला, हमारा पैसा तो और हमारे पति का पैसा तो खुद ही इन फंड्स के ऊपर लगा हुआ है जिसको विनोद अडानी मैनेज करता है, जिसके जरिए हिंदुस्तान के आम आदमी को लूटा जाता है, जिसके जरिए हिंदुस्तान के आम लोगों का लाखों करोड़ रुपए का उनको चूना लगाया जाता है। फिर मैं फिर दोहरा दूं, 8,50,000 करोड़ रुपए शेयर बाजार में 18 महीने पहले इस देश की जनता के डूबे थे, भूलिएगा नहीं। और तब मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जेपीसी से इसकी जांच कराओ, और तब मेरी एक नहीं सुनी गई, बल्कि उल्टा मोदी जी ने उठा के हमको जेल में भेज दिया। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी देते हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की गारंटी देते हैं, और आपने एक तेलंगाना की सभा में कहा था अडानी कांग्रेस को टेम्पू में भर भर के रुपया पहुंचा रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री होके इतना बड़ा आरोप लगाते हैं और जैसे ही आपकी शपथ ग्रहण समारोह होती है भारत के सेना के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग पीछे बैठते हैं, अडानी आगे बैठता है। यह आपकी असलियत है प्रधानमंत्री जी, इसलिए अडानी का घोटाला यह अडानी का घोटाला नहीं है, यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है, यह भारतीय जनता पार्टी का घोटाला है जिसने पूरा देश अपने दोस्त के हवाले कर दिया। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट की जमीन, हिंदुस्तान के सारे लगभग सारे एयरपोर्ट एक एक करके अडानी को दिए जा रहे हैं, रेल अडानी को, सेल अडानी को,
कोयला की खदान अडानी को, गैस अडानी को, पानी की पानी अडानी को, बिजली अडानी को, सड़क अडानी को, सीपोर्ट अडानी को, सब कुछ आप एक व्यक्ति के नाम नीलाम करने जा रहे हैं। और आपने प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा, भगवान श्री राम की नगरी को भी आपने नहीं बख्शा, जो जमीन भारतीय सेना के लिए आरक्षित थी 13,000 एकड़ जमीन आपने उठा के अपने दोस्त अडानी को दे दिया, अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी में। आप ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं प्रधानमंत्री जी। आपका एक ही मकसद है, अपने दोस्त के नाम पूरे देश को नीलाम करना। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है, और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से, सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर एक। और नंबर दो, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है, जो हमारी पहले दिन से डिमांड रही है। तो नई रिपोर्ट में एक पहले तो बात आई थी, इनके एक स्टाफ करके हैं, वो समधी है सेबी के अधिकारी। दूसरा मामला आया, सेबी का अध्यक्ष खुद ही फंड में पैसे लगाए हुए हैं, तो इसलिए मुझे इतनी बात कहनी थी कि ये कतई मत समझिएगा कि अडानी के घोटाले का इस देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इस देश के लोगों का लाखों करोड़ रुपए डूबा है और उस भ्रष्टाचार में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एक दोस्त जिसका नाम है गौतम अडानी, वो शामिल है। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। उनके कहने से क्या होता है, जो सामने आया है सच, वो तो गौतम अडानी भी कह रहा था हमने कुछ नहीं किया। देश के लोगों का 8.5 लाख करोड़ रुपए डूब गया, मॉरिशस में फर्जी सेल कंपनियां बनाई गई, गौतम अडानी ने अडानी कंपनियों के शेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए वो शेयर खरीदे, उसमें पैसे लगाए, ओवर वैल्यू हो गई तो आम जो छोटे इन्वेस्टर हैं उन्होंने उसको खरीदा बड़े दामों पे, उनका पैसा डूबा जब उसकी मार्केट वैल्यू कम हुई। तो ये पूरा मामला है, उनके कहने से कुछ नहीं होता, अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। सर एक और मामला है, उपराज्यपाल के कहने पर 3 सरकारी इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है, मुख्यमंत्री के आवास निर्माण से जुड़े हुए थे, देखिए ऐसा है कि उपराज्यपाल के पास 24 घंटे सिर्फ एक काम पे लगाया गया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई ना कोई केस बनाओ, झूठी खबरें मीडिया में प्लांट करो,
कभी केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी, कभी कुछ बीमारी का मजाक उड़ाओ, इन्हीं सब कामों में उपराज्यपाल महोदय का समय जा रहा है। उनको अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करना है, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं।